अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हो, कैरियर से अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। आमीन सुमा आमीन। चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर करना है तो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। आज मैंने बनाए थे बड़े मज़े के पाए, तो मैंने कहा क्यों ना अपने नाज़रीनों के साथ शेयर करती हूँ। वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, एंड तक लाजमी देखें। कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे ही रहे ना, मगर मज़ा आ जाए। काले काले बादल साथ में देखें, हो रही है हल्की फुल्की सी बारिश। आज हम खाएंगे इस हल्की फुल्की बारिश में पाए। सुबह 7 बजे का ये सीन है। पाए डाले हैं, पाए हैं अम्मी ने जो है अच्छी तरह साफ कर लिए थे। एक पे दौरा मुझे शक हो रहा था, तो मैंने उसको जरा साड़ लिया अच्छी तरह से। मामा इसमें आपने क्या क्या डाला है अभी तक? तो कुछ नहीं डाला, डालने लगे। ओके, अभी फिलहाल मम्मा ने पाए ले लिए हैं, हमने वो कुकर में डाले हैं। नौ पाए हैं ये, ठीक है जी अम्मी। तीन प्याज लिए हैं, वो डाल दिए। तीन प्याज अम्मी ने डाल दिए हैं पाए में। और पाए में टमाटर नहीं डालती, पाए में टमाटर नहीं डालती, ना काले चनों में डालती, ना काले चनों में डालती हूँ, ठीक है। प्याज के बाद हम डालेंगे इसमें मैं क्या था अम्मी जी, हाँ लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हमें पाए में डालेंगी 1.5 चम्मच या पता नहीं 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चला गया एंड दिस इज 2 एंड मामा चाह रही हैं कि थोड़ा सा और डाल दूँ, तो 2.5 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। और नाज़रीन देखें ये पाए के दीवाने, देखें पाए के दीवाने सुबह से बढ़ गए। नमक 2 चम्मच, नमक 2 चम्मच के करीब इसमें गया है नमक। लाल मिर्ची कितनी मामा? 2 चम्मच ही लाल मिर्च, 1.5 चम्मच भर के इसमें मैंने डाल दी लाल मिर्ची का पाउडर। स्पाइसी रहे, हाँ जी। और अब इसमें जा रहा है 1.5 चम्मच भर के, 1 चम्मच भर के नहीं, 1.5 चम्मच भर के अम्मी ने इसमें डाल दिया सूखे धनिए का पाउडर। अब हम डालेंगे हल्दी। या आवाज आई है ना आपको छोटे बच्चे की, ये इतना पाएगा माशाल्लाह माशाल्लाह दीवाना है कि अभी 7 बजे और ये उठ गया। और अम्मी ने डाली है जी पायो में थोड़ी सी हल्दी। हल्दी के बाद अम्मी देख रही हैं कि मेरे को काली मिर्ची चाहिए थी साबुत, और ये है साबुत काली मिर्ची, ये भी हमने डाल दी। काली मिर्ची के बाद अम्मी इसमें डाली लौंग, 5-6 लौंग और 8-10 काली मिर्चीज। और इसके बाद अम्मी लेके आ रही हैं, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये कबूतर बैठा हुआ पीछे खिड़की है ना, ये और ये लकड़ी दालचीनी, सॉरी दालचीनी दालचीनी भी हमने इसमें डाल दी। अब मामा खोलने लगी हैं चूल्हा, चूल्हा भी खुल चुका है नाजरीन। अम्मी इसको हमने कितनी देर तकरीबन सीटी देनी है? अभी तो आधा घंटा दूंगी। अम्मी कह रही है अभी आधा घंटा दूंगी फिर भूनूंगी फिर दूंगी। से बहुत दफ़ा शेयर किए हैं, मैं बहुत दफ़ा शेयर किए हैं, लेकिन ये फ्रेश फ्रेश बन रहा था, मैंने कहा चले एक और दफ़ा आपके साथ मैं क्विक रेसिपी शेयर कर दूँ। इसकी मौसम बदल रहा है, सबके गले वले ठीक नहीं है, तबीयतें ठीक नहीं है, तो अम्मी ने कहा कि पाए सब पियो ताकि ताकत आए सबको। और मसाले आपने देखे होंगे किस तरह थोड़े से मसाले गए हैं बस, और अब पानी देखें हम कितना डालेंगे इसमें। आधा कुकर हमने भर दिया है इसमें पानी का, ठीक है। पाए मेरी बेटी को माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत पसंद है। और अब मामा ने इसको कर दिया कवर, और बस बचती रहेगी सीटी, ठीक है। आधा घंटा सीटी देके इसको भूनेंगे।
आधा घंटा सीटी देने के बाद अम्मी ने कुकर खोला है और अभी इसको भुनेंगी। ठीक है, और मजे की खुशबू आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, यम्मी। ठीक है अम्मी, इसको भून के दोबारा पानी डाल के एक और दफा सीटी दोगे अम्मी? ठीक है, इसको खूब अम्मी ने अभी भूनना है। ओके गाइस, पाए हमारे बड़े अच्छे भून चुके थे और अम्मी ने जो है दोबारा उसको सीटी दी थी 15 मिनट के बाद उसको जो है ना अम्मी ने इसमें खुले से देश के पैन निकाल दिया था और इसको आधा घंटा मज़ीद पकाया था कि अच्छा सा इसका जो है ना ये मसाला क्या कहेंगे शोरबा उसका तैयार हो जाए, बड़ा प्यारा सा। और इससे जब तैयार हो जाता है ना पाया, तो ऊपर इसके यूँ आ जाती है, बस वो चीज़ आ जाती है। इसका मतलब कि पाया हमारा खाने के लिए तैयार हो चुका है। बड़े मज़े का माशाल्लाह से बना था और आपने देखी थी रेसिपी, बड़ी इजी है। और आप सब भी बनाएं सर्दी में और खूब इंजॉय करें। अगर आपका ज़्यादा पाया अच्छा बनता है तो आप ऐसे ही पकाएं, अगर नहीं अच्छा बनता पाया तो मेरी मम्मा की रेसिपी से ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छा बनेगा। इसको आप तंदूर की रोटी से इंजॉय करें या उबले हुए चावल से, हम तो उबले हुए चावल से खाते हैं ज़्यादातर। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।